अरे ओ महारानी, सारे घर का काम अब से तू ही करेगी। मेरे देवर को तो खा गई, अब मुफ्त की रोटी तोड़ना चाहती है। दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझसे जुबान लड़ाती है, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। सीमा की जेठानी गर्म पानी लेकर आती है और सीमा के हाथ पर डाल देती है। सीमा का हाथ जल जाता है, वो दर्द से चिल्लाती है। ये कहानी है सीतापुर की, जहाँ पर सीमा रहा करती थी। सीमा के माँ बाप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर भी उन्होंने सीमा की अच्छी परवरिश की थी और अब वो उसे एक अच्छे कॉलेज में भी पढ़ा रहे थे। मगर कॉलेज में सीमा का एक लड़के से प्यार हो जाता है। फिर सीमा ये बात अपने माता पिता से कहती है। सीमा, हमने तुम्हें बहुत आजादी दी, पर बेटा, हमने ये सब इसलिए नहीं किया था कि तुम प्यार के चक्कर में पड़ जाओ। हम चाहते हैं कि तुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाए, और तू ये सब कर रही है। हाँ बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं। इस बात में मैं भी तुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब करते हैं और बच्चे प्यार के चक्कर में पड़कर सब भूल जाते हैं। मम्मी, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मगर मैं केशव से बहुत प्यार करती हूँ और उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। सीमा के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, मगर सीमा को केशव के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ केशव के घर भी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे थे। केशव बेटा, तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े खानदान के रिश्ते आ रहे हैं और तुम उस गरीब के चक्कर में पड़ रहे हो। वो लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। पिताजी, मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। दोनों के घर वाले मान नहीं रहे थे। तब एक दिन उन दोनों ने प्लान बनाया कि वो घर से भाग कर शादी कर लेंगे। बताओ सीमा, अगर तुम तैयार हो तो हम शादी कर सकते हैं। हमारे घर वाले तो मान नहीं रहे और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है केशव, मेरे घर वाले भी कभी नहीं मानेंगे और मैं तुम्हारे अलावा किसी की नहीं बनूंगी, तो यही सही होगा। तो ठीक है, हम पास के मंदिर में शादी कर लेंगे। केशव और सीमा को पता नहीं था कि वो कितना गलत कदम उठा रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी नादानी में ये बड़ा कदम उठा लिया। सीमा के माता पिता को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सीमा से सब रिश्ते नाते खत्म कर दिए। सीमा, आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो। तूने हमारी नाक कटा दी, हमारी आजादी के प्यार का गलत इस्तेमाल किया। जाओ अब यहाँ से और जिंदगी में कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सीमा को इस बात का बहुत दुख हुआ। दूसरी तरफ केशव का परिवार भी सीमा को पसंद नहीं करता था। केशव जब सुबह ऑफिस जाता था, जब तक सब सही रहते थे, उसके बाद उसकी जेठानी उसे ताने देती है। अरे आओ आओ महारानी जी, अब तो इतने अमीर परिवार में जबरदस्ती आ गई है तो थोड़े अच्छे कपड़े पहनना सीख ले और अपने ये गरीब वाले कपड़े सारे फेंक दे। हमारे घर का एक रुतबा है, समझी? ठीक है दीदी, मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को इस माहौल में डालने की। ठीक है, वैसे भी तेरी जैसी को हम नौकरानी भी नहीं रखते, पर देवर जी ने तेरी किस्मत ही बदल दी। खैर, अब अपने आप को बदल ले। जब तक केशव नहीं आता, कोई भी उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करता था, और जैसे ही केशव घर में आ जाता था तब सब अच्छी तरह से बोलने लगते थे। फिर सीमा केशव से कहती है, केशव, मैं जानती हूँ मुझे यहाँ पर भी कोई पसंद नहीं करता और अब मेरे परिवार वाले भी मुझसे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। पता नहीं अब क्या होगा। सब सही हो जाएगा, हमारा प्यार सबको मजबूर कर देगा कि वो हमें अपना लें। कुछ समय बीत जाता है और उनकी शादी को 6 महीने हो जाते हैं। फिर एक शाम केशव अपनी बाइक से घर लौट रहा था, वो सीमा को फोन करता है। सीमा, मैं घर आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाना है क्या? नहीं, बस आप आ जाओ। वैसे भी आज आप बहुत लेट हो गए हो और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं रास्ते में ही हूँ, बस आ ही रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। केशव को काफी देर हो गई थी और सीमा उसका इंतजार करते हुए थक गई थी। वो उसका फोन भी ट्राई कर रही थी मगर फोन नहीं उठता। फिर सीमा को चिंता होने लगी, उसने सभी घर वालों को उठाया। पापा, मम्मी, उठो,
मैं बहुत देर से इनका फोन ट्राई कर रही हूँ मगर केशव का फोन नहीं लग रहा। चलो हम उन्हें देखने चलते हैं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो सारे गाड़ी में बैठ जाते हैं और रास्ते में देखते हैं एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठा थी। वो उतर कर देखते हैं तो उनका बेटा केशव खून से लथपथ वहाँ पड़ा था और इतने वो उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। तब तक केशव की मृत्यु हो जाती है। हमें माफ कीजिए, अब ये जीवित नहीं है, इन्हें अस्पताल आने में देरी हो गई। सीमा बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसका एक पल में सब उजड़ गया। फिर कुछ दिन बाद सब परिवार वाले नॉर्मल होने लगे तो सब लोग सीमा पर अत्याचार करने लगे। अरे ओ महारानी, सारे घर का काम अब से तू ही करेगी, मेरे देवर को तो खा गई, अब मुफ्त की रोटी तोड़ना चाहती है। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, मुझसे जुबान लड़ाती है, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। सीमा की जेठानी गर्म पानी लेकर आती है और सीमा के हाथ पर डाल देती है। सीमा का हाथ जल जाता है, वो दर्द से चिल्लाती है। आ, 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 आज के बाद जब भी मुझसे जुबान लड़ाने का मन हो ये दिन याद कर लेना। हर कोई अपना काम सिर्फ सीमा से ही करवाने लगा, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, सब सीमा करती। और एक दिन सीमा ने किसी काम में गलती कर दी, तब उसकी सास उससे थप्पड़ मारकर बोलती है, अब तू निकल यहाँ से करम जली, अब तेरा कोई काम नहीं है इस घर में, मेरे केशव को तो खा गई और जब वो नहीं रहा तो तू यहाँ पर रहकर क्या करेगी, निकल यहाँ से। रात के अंधेरे में उसके ससुराल वाले उसे घर से निकाल देते हैं। वो बेचारी अपने घर जाती है मगर उसके घर में भी उसकी मजबूरी कोई नहीं समझता। हमारा तेरी जैसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, जा यहाँ से, जो अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं वो ऐसे ही दर दर की ठोकरे खाते हैं। सीमा रोती रोती सड़क पर आ गई और ऐसे ही कई दिन वो घूमती रही। उसने भीख मांगना शुरू कर दिया, तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़कर बोलता है, अरे तुम्हें भीख मांगने की क्या जरूरत है, इतनी सुंदर हो, जवान हो, मुझसे शादी कर लो, मेरा सब कुछ तुम्हारा होगा। आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रही है, अपनी लाचारी पर तरस खा और मेरी बात मान ले, वैसे भी मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ और तू कुछ नहीं कर पाएगी। सीमा अपना हाथ छुड़ा लेती है और रोती हुई वहां से भाग जाती है। तभी भागते हुए उसका एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो जाता है। सीमा बेहोश हो जाती है। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी गाड़ी से समीर उतर कर आता है। सीमा को देखकर वो बोला, अरे ये तो सीमा है, मेरी बचपन की दोस्त, मगर इसकी ऐसी हालत कैसे हो रही है, चलो इसे घर लेकर चलता हूँ। समीर उसे फटाफट से उठाकर अपने घर लेकर आता है और वहीं पर डॉक्टर से इलाज करवाता है। जब सीमा को होश आ जाता है, समीर उससे सारी बात पूछता है और सीमा उसे सब कुछ बताती है। सीमा तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, इंटेलिजेंट भी हो, तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी, तुमने MBA किया है और तुम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए। हाँ समीर, मैं शादी से पहले सोच तो रही थी कि मैं अपने हाथों से बने हैंडमेड बैग बेचना शुरू करूं, मगर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे और केशव के जाने के बाद तो मेरा सहारा भी कोई नहीं था। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद समीर ने सीमा का बिजनेस चलवा दिया और उसे एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया। और फिर सीमा ने अपना खुद का घर खरीद लिया, साथ ही वो अपने जैसे और लाचार औरतों की मदद करने लगी। डॉक्टर रवि पूजा को शादी करके अपने घर मिलाता है। पूजा एक अंधी लड़की है। अभी अभी कहाँ हो तुम, देखो तो मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। जी भैया। अरे ये कौन है? ये तेरी भाभी है पगले, पर ये देख नहीं सकती। आप किसी अंधी लड़की से शादी करके घर पर लाए हो, और आप तो क्लिनिक गए थे ना, ये शादी कब करी आपने? अरे तू इतनी सब बातों को छोड़, कभी फुर्सत में बैठकर बात करेंगे। अभी अपने मन में सोचने लगता है, अरे यार क्या माल है, अंधी है पर क्या दिखती है, मेरे भाई की तो किस्मत ही खुल गई जो ऐसी सुंदर लड़की मिली है,
अगर इसके साथ मजे नहीं किए तो मेरी जिंदगी बर्बाद है यार। चलो बेबी, हम दोनों चलते हैं, और तू भी अच्छे से खाना खाकर सो जा, सुबह मिलते हैं अब। इतना कहकर रवि और पूजा दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वो दोनों अपनी सुहागरात मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं और अभी उन दोनों को चुपके से देख रहा होता है। अरे पूजा, क्या लग रही हो तुम, जी करता है बस तुम्हें देखता ही रहूं। बस सिर्फ देखते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे पूजा, मेरे से ज्यादा उत्साहित तो तुम लग रही हो। अब दोनों में बातें चल रही होती हैं कि तभी रवि को एक फोन कॉल आता है। अरे यार, इस फोन को भी अभी आना था। पूजा, मैं सिर्फ 2 मिनट में आया। जल्दी आना। अरे अब भाई तो गए, अब वो तो जल्दी जल्दी वापस आएंगे नहीं। मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा और भाभी के साथ मजे करने होंगे। उस अंधी को क्या ही पता चलेगा कि कौन है। रवि पूजा के पास जाता है और उसके साथ बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अरे आ गए तुम, बहुत जल्दी आ गए। चलो अब मुझसे रहा नहीं जाता, चलो शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। जो काम पूजा ने अपने पति रवि के साथ करना था, अब वो काम अपने देवर के साथ भी कर बैठती है। अगले दिन पूजा रसोई में काम कर रही होती है, तभी, चलो पूजा, अब मैं क्लिनिक के लिए निकलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अभी मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी भाभी का ध्यान रखना। अरे आप चिंता मत करो, मैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। जी, आज रात को आप जल्दी घर आ जाइएगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। रवि अपने क्लिनिक के लिए चला जाता है। अब पूजा और अभी दोनों घर पर अकेले हैं। भाभी आप क्या कर रही हो? देवर जी, मैं रोटियां बना रही हूँ। भाभी आज रोटी मैं आपके हाथों से ही खाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो देवर जी आप? आपको एक सच बताऊं, कल जो आप रात में रवि के साथ कर रही थी, वो असल में रवि नहीं था, वो मैं था। अरे ये आप क्या बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे इसमें शर्म कैसी, जो कल रात को हम दोनों के बीच हुआ वही तो आपको बता रहा हूँ। हे भगवान, ये क्या पाप हो गया मुझसे। ये बात मैं आपके बड़े भाई को बताऊंगी तो वो आपको घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा, क्या वो आपकी बातों पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, उल्टा वो आपको घर से बाहर निकाल देंगे। आप तो अंधी हो, कहाँ जाओगी, क्या करोगी? कोई आपको नहीं स्वीकार करेगा, इससे अच्छा यही है कि जो चल रहा है उसे चलने दो। ये क्या बोल रहे हो? सही तो कह रहा हूँ, मैं थोड़ी ना आपको सारी जिंदगी ऐसा ही करने के लिए कह रहा हूँ। जब तक मेरी शादी नहीं होती बस तब तक करना होगा। इतना बोलकर अभी वहां से चला जाता है और पूजा सोचने लगती है कि कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, कैसे वो अंधी हो गई, कैसे उसकी शादी हो गई और कैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। पूजा अपने ख्यालों में खो जाती है और अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ हो आप? आप जल्दी से आकर मेरी बेटी को देखो ना, क्या हो गया उसे, उसे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे आप थोड़ी देर वेट कीजिए, डॉक्टर आते ही होंगे। अरे आप जल्दी से डॉक्टर को बुला दीजिए, देखो ना मेरी बेटी नहाते समय गिर गई और अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे लो डॉक्टर आ गए। अरे डॉक्टर साहब, देखिए ना मेरी बेटी को क्या हो गया है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे तुम इधर आना जरा। रवि उसकी आंखों को देखता है और उसको ऑपरेशन करने की सलाह देता है और पूजा के माता पिता मान जाते हैं। रवि पूजा को अंदर ले जाता है और ऑपरेशन करके बाहर लाता है और पूजा के माता पिता को बताता है कि ऑपरेशन फेल हो गया है, अब पूजा कभी भी देख नहीं पाएगी। हाँ, अगर कोई अपनी आंखें पूजा को दान करता है तो पूजा फिर से देख पाएगी। इतना सुनकर पूजा के पिता वहां पर बेहोश हो जाते हैं। जब रवि पूजा के पिता को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हे भगवान, मेरी तो पूरी दुनिया ही उजर गई। पहले बेटी अंधी हो गई और अब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मैं भी मर जाऊंगी। अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी,
मैं रखूंगा इसका ध्यान। इस तरह उन दोनों की शादी हो जाती है और रवि पूजा को अपने घर ले आता है। आगे इस तरह ही चलता रहता है। पूजा को पति पत्नी वाला रिश्ता अपने देवर अभी के साथ निभाना पड़ता है। पर आखिर कब तक ऐसा चलता है? क्या रवि को अभी की सच्चाई पता चल पाती है? ये जानने के लिए इंतजार करें इस कहानी के अगले पार्ट का। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।